हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपका स्वागत है आपके एग्जाम एक्सक्लूसिव सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाएं और आपके हाथ में आपका उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अक्सर ये सवाल आप में से कई लोग पूछते हैं और मैंने जैसा हमेशा से कहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें इन्वॉल्व है कि क्या करें अगर मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, सिक्वेंस वाइज जैसा सिक्वेंस दिया वैसा शुरू करना चाहिए, या क्या हम अपने मन से सिक्वेंस को चेंज करके लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और ये पूरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, हो सकता है आपके विचार इससे थोड़े अलग होते हो। इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का बिलोंग करता है, वह है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का। पैरेलली आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देखिए, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपको बैठने के बाद इस तरीके से एक गहरी सांस लेनी चाहिए। अब वहां पे आप भूल जाइए कि क्या आपने पढ़ा था, क्या आने वाला है, वो सब चिंताएं आपके कदम रखते ही खत्म हो जानी चाहिए थी। आपके हाथ में इस तरह का क्वेश्चन पेपर आ गया है और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आने के बाद एकदम शांति से एक पेंसिल लेकर के आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करें। क्वेश्चन पेपर के कई सारे सेक्शंस होते हैं और कई सारे सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिसको हम हड़बड़ी में या तो ओवर एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं। मैंने भी यही गलती करी थी। क्या क्या भूल जाते हैं, क्या क्या ओवर एक्साइटमेंट में दब जाता है, वो आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि आपके क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट सही है कि नहीं, उसके जो कोड है सब्जेक्ट कोड है वो सही है कि नहीं, और उसके टोटल मार्क्स चेक कर लें। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो कि यहां पे जो पेपर है वो माइक्रोबायोलॉजी का है, इसमें जो कुछ स्पेसिफिक मार्क्स है वो 75 मार्क्स का है, और सबसे जरूरी चीजों में से एक है नोट। वहां पे एक नोट रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा, तो उसको आप जरूर ध्यान से पढ़िए कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, कितने सेक्शंस आपको अटेंड करने हैं, हर एक सेक्शंस के मार्क्स कितने डिसाइड किए गए हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लिखना कितना है। अगर 2 नंबर का है तो आप 5-6 पेजेस नहीं लिखने वाले हो, अगर 10 नंबर का है तो 2 पेजेस भी आप नहीं लिखने वाले हो। सो डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन का मार्क्स कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके हिसाब से हम उसको नंबरिंग के हिसाब से लिखना स्टार्ट करेंगे। इस पेपर पे पहला जो सेक्शन है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन। इसमें आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन के ऊपर आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, कोई भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिलहाल हमारे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो वहां पर आपने पहले उसको पढ़ा। इसके बाद आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन के बाद पूरे क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सबको पढ़ेंगे और तुरंत दिमाग में ये एनालाइज करते जाएंगे। वैसे ये एनालाइज हो ही जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने याद किया था, तैयारी की थी और वो क्वेश्चन फंसा हुआ है, आया हुआ है। तो जिस भी क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उसको पहले अटेंड करना स्टार्ट करिएगा। जैसे अगर आपके में एमसीक्यूज पैटर्न भी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन से सेक्शंस को अटेंड करते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहले पूरे अच्छे से अटेंड कर सकता हूं, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस सेक्शन, तो आप पहले शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करना स्टार्ट करिए। उस क्वेश्चन मतलब उस सेक्शन के अंदर भी 4-5 क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन में भी कौन सा क्वेश्चन बेस्ट बनता है आपके, उस क्वेश्चन को उसी सीक्वेंस में लिखिए जिसमें आप अच्छा जानते हो। और हां, अगर आपने सेक्शन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेंड करना स्टार्ट किया, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपने 2 किया, 2 करने के बाद स्विच मत करिएगा पहले सेक्शन में जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन टू सेक्शन बिना कंप्लीट किए स्विच करना सही नहीं है। आप एक सेक्शन को पकड़ के उसमें से जितना भी क्वेश्चन आप बना सकते हो बनाना है उतने को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन का सिक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट सेक्शन को स्विच ना करिए। सेक्शन 2 खत्म होगा उसके बाद सेक्शन 1 पे आप आ सकते हो या सेक्शन 1 खत्म करके सेक्शन 2 पे आ सकते हो। ऐसा नहीं कि सेक्शन 1 के 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड किए फिर आप उसके नीचे शॉर्ट आंसर अटेंड करना शुरू किए फिर एमसीक्यू उस पर जंप कर दिए, ऐसा ना करिएगा, उससे आपको सही इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हो गया बेसिक चीजें कि हमको किसको किसको पहले अटेंड करना है, उनको अटेंड करना है पहले जिनमें हम कॉन्फिडेंस है कि ये मुझसे अच्छे से बनता है। अब बात आती है सेक्शन वाइज बेसिक प्रिंसिपल्स की। अगर आपने पहला सेक्शन अटेंड करना स्टार्ट किया एमसीक्यूज का तो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को हड़बड़ी में मत पढ़िए, थोड़ा आराम से पढ़िए और उसमें उन पॉइंट को हाईलाइट करिए जो कि उस क्वेश्चन में इंफेसाइज किए गए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो। मैंने अपने बी फॉर्म में गलती करी थी, हम अक्सर नॉट को या एक्सक्लूडिंग को या एक्सेप्ट को ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते, ये चीजें पूरे क्वेश्चन को पलट देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेल, तो ये तो ठीक है बट यहां पे अगर क्वेश्चन ऐसा है विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेल एक्सेप्ट,
तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान कम दे पाते हैं हड़बड़ी में, तो उससे पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आप पूरे क्वेश्चन में भी देखिए, कई अलग अलग जगह है जिसमें यह लिखा हुआ है कि डार्क इमेज अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड इज फॉर्म। इमेज कैसा होगा? डार्क इमेज होगा अगेंस्ट द व्हाइट ब्राइट बैकग्राउंड होगा, तो किसके अगेंस्ट में क्या इमेज है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, माइक्रोबियल असे ऑफ अमिकासिन ड्रग इज अमिकासिन इज डन यूजिंग ऑफ, किसका आसे है? माइक्रोबियल आसे, किसके लिए रेस्पेक्ट में? अमिकासिन है, तो अमिकासिन वर्ड का जो प्रिसाइजन है, महत्वपूर्ण पार्ट है, वो बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए, द डिसइंफेक्टेंट हैज एबिलिटी टू किल स्पोर, वो नॉर्मल एजेंट की बात नहीं कर रहा, वेजिटेटिव फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है स्पोर फॉर्म का, तो स्पोर फॉर्म को अंडरलाइन करना जरूरी है। अंडरलाइन करना मतलब जरूरी है, मतलब उसको फोकस करना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, ऑयल शुड नॉट बी स्टेरिलाइज बाय, अब यहां पे ऑयल शुड बी स्टेरिलाइज बाय नहीं है, शुड नॉट बी स्टेरिलाइज बाय है, यानी कि नॉट एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है जिसको आपको ध्यान देना है। तो ये अगर आपने नॉट को ध्यान नहीं दिया तो आंसर तो उल्टा जाना ही जाना है। इसके बाद अगला है मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू स्पेसिफाई कर रहा है कि ये क्या है। उसके बाद अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस, ऐसा नहीं पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस, तो ये जो वर्ड है नॉट, उस पे भी हमको वापस से अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। फिर देखिए, बैक्टीरिया दैट ग्रो एट टेम्परेचर एज हाई एज 55 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफिलस है या फिर क्या बैलस है, जो टेम्परेचर रेंज में बहुत ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर का रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे देखिए, द बेस्ट मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन स्पेसिफाइड किया गया है कि इसी ड्रग के लिए आपका मीडियम कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट आपका द मीडियम यूज्ड इन मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, मेम्ब्रेन फिल्टर हमने समझाया हुआ था माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो कौन सा फिल्टर पेपर यूज हो सकता है, कौन सा टेक्निक यूज हो सकता है, कौन सा मीडिया यूज हो सकता है, वो आपको यहां पर देखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो यहां पे दिखा हुआ एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहां पे ग्राम नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमको देख के लगता है इजी और हम चले जाते हैं ओवर एक्साइटमेंट में, अक्सर गलतियां ओवर एक्साइटमेंट में ही होती हैं। मैं एक बार पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस का, तो वहां पे मैंने हड़बड़ी में ये गलती कर दी थी। वहां पे ये पूछा था टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन डेफिनेटली कंफ्यूज करने के लिए सेल्स के रेस्पेक्ट में होगा, साइटोलॉजी होगा या तो हिस्टोलॉजी था, वहां पे हमने थोड़ा, मैंने बोलना चाहिए, मेरी गलती थी ये कि मैंने हड़बड़ी में टिश्यू पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सीधा साइटोलॉजी पे टिक कर दिया और ऑब्वियसली वो क्वेश्चन तो गलत जाना ही जाना है। सो यहां पे ये नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि हम टिश्यू के लिए हिस्टोलॉजी यूज करते हैं, बट गलती ये थी कि ओवर एक्साइटमेंट में आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टिक मारो, तो ये गलती हमसे होती है अक्सर ओवर एक्साइटमेंट में, सिली मिस्टेक्स को हम लोग बोल सकते हैं, और यही सिली मिस्टेक आगे जाकर के आपके लिए ब्लेंडर मिस्टेक साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, कि एंजाइम आर केमिकली, एंजाइम आर नॉट बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली नहीं पूछ रहा, एंजाइम आर केमिकली, तो उनका केमिकल नेचर क्या है, ये पूरे चीजों में यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, केमिकल है क्या नेचर उसका, बायोलॉजिकल नेचर क्या है, तो ये पूछ रहा है केमिकल नेचर क्या है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेलेक्शन हैज नॉट इफेक्ट ऑन स्पोर, नॉट पे फिर से रन करिए, ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जहां पे घुमा दिया जाता है, नॉट पे फोकस करिए और ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो वह हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग पूछा है, नॉन आयोनाइज्ड नहीं पूछा, तो यहां पे इन चीजों के ही ऊपर हमको बेस्ड होना चाहिए। अब इनमें से जिस जिस के एमसीक्यूज आपके अच्छे से आते हैं उनके सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, सेक्शन चेंज नहीं करना, सेक्शन के अंदर एमसीक्यूज के सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, और कभी भी एमसीक्यूज को छोड़ के मत आइए। अगर आपको लगता है कि मुझे एकदम 100% नहीं पता है, तो कोशिश करिए कि कौन से आंसर नहीं हो सकते उनको अलग कर दो, चार में से एक छांटना मतलब थोड़े चांसेस कम है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, चार में से अगर आपने एक या दो क्वेश्चन का दो ऑप्शन को इसलिए हटा दिया कि पक्का ये तो होंगे ही नहीं, तो अब आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, 50-50 पे आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना या थोड़ा गेस करना भी फायदा हो सकता है इन कंपैरिजन टू दैट सिचुएशन जहां पे आपने क्वेश्चन को पूरी तरह से छोड़ दिया था, तो छोड़ने से बेटर है थोड़ा एक अंदाजा लगा करके सेल्फ एनालिसिस करके चीजों को आप टिक मार्क कर सकते हो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है सेक्शन टू में, यहां पर दिया हुआ आंसर टू आउट ऑफ थ्री, इसी के मैं बात कर रहा था, आंसर टू आउट ऑफ थ्री, मैंने एक बार पूरे का पूरे तीनों को तीनों कर दिए थे वही हड़बड़ी में बी फॉर्म के समय में, तो अपनी गलती से मैं आपको सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर गलती आप ही करो, मेरी गलती से भी सीखना आपको फर्ज बनता है।
तो यहां पे दो पे ही ध्यान दीजिएगा। अब आखिरी में मुझे पता चला कि तीन नहीं बनाना था, मुझे दो बनाना था, तो आपको एक आंसर काटने पड़े ना जबरदस्ती के, तो उसको लिखने के चक्कर में आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपको मिला कुछ नहीं, गया सब कुछ। तो ये ध्यान रखिए, इसमें लिखा हुआ राइट डिटेल्ड नोट, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है वो दो अटेम्प्ट करने हैं और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब लंबा मार्क है, तो थोड़ा डिटेलिंग डायग्राम फ्लो चार्ट अगर है या टेबल अगर है तो आपको वहां पे बनाना जरूरी है, और अगर नहीं पूछा गया है डायरेक्टली तो भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, खुद ही समझ जाएंगे, देख भी सकते हैं कि राइट डिटेल नोट स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, डिटेल बोला है तो आपको पूरे मेथड्स के नाम लिख करके डिटेल से समझाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम, ये यूजुअली नहीं पूछते हैं ऐसे, लाभ साफ साफ लिखा नहीं होता कि डायग्राम बनाइए, यूजुअली फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, बट अगर लिखा है तो मस्ट है, और अगर नहीं भी लिखा हुआ था एक्सप्रेंसिव पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल होता तो भी आपको डायग्राम वहां पे बनाना जरूरी था, क्योंकि वो चीजें छिपी हुई होती हैं साइलेंटली और वही चीज तो वो जानना चाहता है। आगे सेक्शन में आ जाते हैं, तो देखिए हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है आपका शॉर्ट नोट, अटेंड 7 एनी और 9 में से कोई 7 अटेंड करना है, मार्क्स है इसका 5, तो 35 मार्क्स का है, मार्क्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या क्या लिखा है क्वेश्चन आप देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन है आसे ऑफ एंटीबायोटिक, आपका स्टेबिलिटी इंडिकेटर, ग्रोथ कर्व, सोर्सेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन, तो वहां पे क्वेश्चन जो पूछा है उसके साथ साथ डेफिनेशन भी आपको लिखना है। पूरे वीडियो का सार ये बनता है कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले पूरा पढ़िए, क्या क्वेश्चन पूछा है, कितना एक्सप्रेशन मांग रहा है, मार्क्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये रहता है, पर्सनल सजेशन, कि अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पहले अटेंड करते हो तो आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको लिखना ज्यादा है, और अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन है तो ये हमेशा गारंटी नहीं है कि आपको 10 में 10 दे दिया जाए, मैथमेटिक्स में हो सकता है, बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में संभावना थोड़ी सी कम रहती, नामुमकिन है ऐसा नहीं कह रहा, संभावना थोड़ी कम होती है, तो बेटर है कि आप एमसीक्यूज को पहले अटेंड करो, क्योंकि एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन के पीछे एक नंबर है, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, या तो आपको एक नंबर मिलेंगे या तो आपको जीरो नंबर मिलेंगे, तो वहां पे एक नंबर में कोई भी 0.5 नंबर काटने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो आप 20 नंबर के क्वेश्चन सॉलिड बनेंगे अगर आप पहले सेक्शन को अटेंड करते हो तो। उसके बाद आपको जाना चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जहां पे लिखना थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली, इससे क्या है आपका मेजर सेक्शन कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहले लार्ज आंसर क्वेश्चन को लंबे आंसर को शुरू करते हो तो उसको लिखते 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 काफी सारा टाइम हो जाएगा और बाकी के लिए समय कम बचेगा, तो आपको या तो छोड़ना पड़ेगा या तो घसीटा मारना पड़ेगा, जिससे फर्क पड़ सकता है मार्किंग में। इसलिए सबसे पहले मेरा सजेशन पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, अगर आपके यहां एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज को अटेंड करिए, अगर एमसीक्यूज नहीं आते हैं, टू लाइन क्वेश्चन आते हैं या रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स आता है, तो आप उस पे जाइए, मतलब जिस पे नंबर कटने की संभावना बहुत कम है उसको पहले अटेंड करिए, अगर आपको सारे सेक्शन आते हैं तो, और नहीं आता तब तो डेफिनेटली वहीं पे जाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आगा आंसर आता है, उसी को आप पहले अटेंड करना शुरू करोगे। तो ये मैंने इस सीरीज में बताया कि आपको कैसे देखनी चाहिए, ये मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पूरी सीरीज में, कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और आगे आने समय में इसी से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या गलती मैंने करी और क्या मैंने सही करा, वो सब आपको मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा। तो अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में हमेशा फीडबैक दिया करें, और हाँ ये भी बता सकते हैं कि आपको और क्या जानना है एग्जाम से रिलेटेड, थ्योरी एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं उसकी भी पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।